तो है गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को तो सब्सक्राइब, साथ ही साथ मुझे जो इंस्टा फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर दो। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली पिक्सआर्ट में अपनी बैकग्राउंड को कर लेना है ऐड। बैकग्राउंड ऐड कर लेने के बाद ऐड फोटो में जाना है, अपनी मॉडल को ऐड कर लेना है। मैं जो भी PNG वगैरह यूज करूँगा सबका लिंक नीचे मिल जाएगा। तो मॉडल को ऐड कर लेने के बाद सिंपली उसको ऐसे थोड़ा बड़ा करके बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे एडजस्ट करके लगा देना है। तो दोस्तों, ऐसे लगा देने के बाद हम ऊपर से कर लेंगे डन। डन कर लेने के बाद दोस्तों हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, इसी PNG को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इसको ऐसे ऐड करके उसको ऐसे फुल कोड़ा करके कुछ इस टाइप से ऐसे साइड पे ऐसे लगा देना है, फूल बड़ा कर लेना है। ऐसे बड़ा करके इस टाइप से ऐसे लगा देने के बाद हम सिंपली ऊपर से कर लेंगे डन। तो दोस्तों, ऐसे कर लेने के बाद हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। तो दोस्तों, ऐड फोटो जाने के बाद इसी टेक्स्ट PNG को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली ब्लेंड में जाकर स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन कर लेने के बाद ऊपर ऐसे एडजस्ट करके लगा देना है। तो दोस्तों, ऐसे लगा देने के बाद हम ऊपर से कर लेंगे डाउन। उसके बाद दोस्तों हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, इसी रॉकेट PNG को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ऐड करने के बाद सिंपली उसको बैकग्राउंड के ऊपर फुल बड़ा करके ऐसे लगा देना है। लगा देने के बाद ऊपर से कर लेना है डन। उसके बाद दोस्तों हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। PNG को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ऐड करने के बाद अपनी पकड़ पे ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों, लगा देने के बाद सिंपली हम इरेज पे जाएंगे। इरेज पे जाने के बाद इसी पार्ट को सिंपली हम इरेज कर लेंगे। जैसे रियल दिखना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग ऐसे ही कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे कर लेने के बाद हम ऊपर से कर लेंगे डन। उसके बाद दोस्तों हम फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, इसी रॉकेट PNG को दो बार ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ऐड करने के बाद सिंपली एक को लेकर इसी साइड पे ऐसे ऐसे लगा देना है। दूसरे को लेकर इसी साइड पे ऐसे लगा देना है। तो दोस्तों, ऐसे लगा देने के बाद हम ऊपर से कर लेंगे डन। उसके बाद दोस्तों पिक्सआर्ट के अंदर और कुछ नहीं करना है, ड्रॉ में जाकर सेव इमेज कर लेना है। तो दोस्तों, सेव इमेज कर लेने के बाद हम थोड़ा कलर रेडिंग करने के लिए लाइट रूम में जाएंगे। लाइट रूम में जाने के बाद सिंपली लाइट पे जाना है। शेडोज थोड़ा डिक्रीज कर लेना है, वाइट थोड़ा डिक्रीज कर लेना है, ब्लैक थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम कलर पे जाएंगे, टीम थोड़ा डिक्रीज करेंगे, वाइब्रेंस थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद हम मिक्स टूल पे जाएंगे। मिक्स टूल पे जाने के बाद ऑरेंज कलर पे जाना है, सैचुरेशन थोड़ा डिक्रीज कर लेना है, लुमिनेशन थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद येलो टोन पे जाना है, ह्यू फुल डिक्रीज कर लेना है। सैचुरेशन थोड़ी डिक्रीज कर लेना है। उसके बाद ग्रीन कलर पे जाएंगे, ह्यू फुल डिक्रीज कर लेंगे, सैचुरेशन फुल इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों सियन कलर पे जाएंगे, सैचुरेशन थोड़ी डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज कर लेने के बाद हम ब्लू कलर पे जाएंगे, सैचुरेशन थोड़ी डिक्रीज कर लेंगे, ह्यू थोड़ी इंक्रीज कर लेंगे। ऐसे कर लेने के बाद ऊपर से करेंगे डाउन। उसके बाद इफेक्ट पे जाएंगे, टेक्स्चर थोड़ा डिक्रीज करेंगे, क्लैरिटी थोड़ा इंक्रीज करेंगे।
उसके बाद भीगने थोड़ा डिक्रीज करेंगे, मिड पॉइंट थोड़ा डिक्रीज करेंगे, फेदर थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद राउंडनेस भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद डिटेल पे जाएंगे, शार्पिंग थोड़ा इंक्रीज करेंगे, मास्किंग थोड़ा इंक्रीज करेंगे, नॉइज रिडक्शन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, डिटेल फुल इंक्रीज कर लेंगे, कलर नॉइज रिडक्शन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, डिटेल फुल इंक्रीज करेंगे और स्मूथनेस फुल इंक्रीज कर लेंगे। ऐसे करने के बाद और कुछ नहीं करना है, हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।